इंडिया न्यूज यूपी उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सिमरन पटेल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर, मिशन 2024 को लेकर बीजेपी में बैठकों का दौर लगातार जारी है। आपको बता दें आज कानपुर अवध क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठनों की बैठक होनी है। संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह होंगे बैठक में शामिल। आगामी कार्यक्रमों की रूपरेखा पर होगा मंथन। तो आपको बता दें बैठकों का दौर जो है लगातार बीजेपी में जारी है। आज भी कई बैठकें होनी है मिशन 2024 को लेकर। बीजेपी बैठकें कर रही है, मिशन 2024 की तैयारी में बीजेपी जुट गई है और यही वजह है कि आज कई बैठकें होने वाली हैं। आपको बता दें आज कानपुर अवध क्षेत्र में क्षेत्रीय संगठनों की बैठक होगी और इस बैठक में संगठन महामंत्री भी देखिए शामिल होंगे। तो आपको जानकारी दे दें कि पूरी तरह से कानपुर से शिवराज साहू सीधे रुक करेंगे, सहयोगी हमारे साथ कानपुर से सीधे लाइव जुड़ रहे हैं, उनसे जानकारी लेंगे। शिवराज, आज कानपुर में भी बैठक होने वाली है, फिलहाल बैठक को लेकर क्या जानकारी आपके पास? जी बिल्कुल, जिस प्रकार से 2024 का जो चुनाव है लोकसभा का, उसको देखते हुए तैयारियां जोर भर दी गई हैं। आपको बता दूं कानपुर में आज बैठक आयोजित की गई, इसमें प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी खुद मौजूद रहेंगे कानपुर के होटल मंदाकिनी में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो क्षेत्रीय पदाधिकारी हैं उन सभी की बैठक ली जाएगी। साथ ही साथ जो कार्यकर्ता है उनकी भी बैठक ली जाएगी। कहीं ना कहीं जो 2024 की है उसकी रूपरेखा तैयार की जाएगी इस बैठक में। ठीक है, तो इस बैठक में बिल्कुल शिवराज रूपरेखा तैयार की जाएगी। फिलहाल आपसे ये भी जानकारी चाहूंगी, बैठक कितने बजे शुरू होनी है और बैठक में और कौन कौन बड़े दिग्गज जो है वो शामिल होते नजर आएंगे? जी बिल्कुल, 9 बजे से बैठक का जो समय है वो 9 बजे रखा गया है और 9 बजे से लेके तकरीबन 3-4 घंटे बैठक चलने की बात की जा रही है। ऐसे में जो प्रदेश के अधिकार पदाधिकारी हैं, साथ ही साथ जो जिले के पदाधिकारी हैं सभी और क्षेत्रीय जो पदाधिकारी हैं उन सभी को बैठक में बुलाया गया है और बैठक करीब 4-5 घंटे चलेगी। उसके बाद जो रूपरेखा है वो तैयार की जाएगी और जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो जो कार्यकर्ता हैं और जो पदाधिकारी हैं उनको गाइड करेंगे कि किस प्रकार से लोकसभा के जो चुनाव है 24 को किस प्रकार से उसमें तैयारियां करनी है। बिल्कुल, तो 2024 की तैयारी को लेकर ये बैठक होनी है और बिल्कुल देखिए शिवराज, आपसे ये भी समझना चाहूंगी कि देखिए ये भी बातें सामने आ रही है कि जिन क्षेत्रों में बीजेपी का अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा उन क्षेत्रों पर भी संगठन को किस तरह मजबूत किया जाए, इस पर भी विचार किया जाएगा, मंथन किया जाएगा। जी बिल्कुल, जिस प्रकार से नगर निकाय चुनाव में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी ने पार्षद पद की बात की जाए या मेयर पद की बात की जाए, जो वोटर कम जो लोग जहां पर उनको हार मिली है खासकर उसकी बात की जाए, उन बूथों की उन वार्डों की, तो उसको लेकर भी चर्चा की जाएगी और जो उसमें कमियां रही हैं उसको सुधारने के भी जो उचित दिशा निर्देश है वो भी दिया जाएगा। ठीक है, ठीक है, आप बने रहिएगा। निकिता सरीन का रुख करूंगी, सहयोगी लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रही है। निकिता, बैठकों का दौर जो है लगातार जारी है, लखनऊ में भी बैठक होगी, बैठक को लेकर क्या अपडेट आपके पास? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है 2024 के लोकसभा इलेक्शन को लेकर के वो पूरी तरीके से सख्त हो चुकी है। लगातार भारतीय जनता पार्टी बैठकें कर रही है, कल भी बैठक हुई थी और आज भी फिलहाल ये जो बैठक है वो होनी है। भारतीय जनता पार्टी जो जनसंपर्क अभियान चलाने वाली है उसको लेकर के बैठक होगी और इस बैठक में सभी सांसद मौजूद रहेंगे। आपको बता दूं ब्रजभूषण सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे, बाकी महम जो धर्मपाल है कम्युनिटी हेड वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि उनको हार का सामना करना पड़ा है वहां पर अपने मैदान को कैसे टाइट करें, वहां पर अपनी पूरी भूमिकाएं किस तरीके से निभाएं, इसको लेकर के लगातार बैठक चल रही है। तो एसआर ग्रुप कॉलेज में आज अवध क्षेत्र की बैठक होनी है जिसमें सभी जो बड़े नेता है वो मौजूद रहेंगे। जिस तरीके से मैंने अभी धर्मपाल की बात की है वो भी है, क्योंकि संगठन महामंत्री है वो इस बैठक में मौजूद रहेंगे सभी सांसद के साथ, साथ ही ब्रजभूषण भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी अब कहीं से ये नहीं चाहती है कि जो लोकसभा का कह सकते हैं जो मंथन है, जो मिशन है बीजेपी का लोकसभा का 2024 का, उसमें पूरी तरीके से बीजेपी अपने आप को सही प्रूफ करना चाहती है। क्योंकि अगर मैं बॉडी इलेक्शन की बात करूं तो फिलहाल मेयर्स की सीट को अगर छोड़ के प्रत्याशी पद की बात करें तो वहां पर कई जगहों पर बीजेपी ने हार का सामना किया है, उसी को लेकर के उसमें कैसे इंप्रूवमेंट करें
और क्या कुछ प्रपोजल दे ताकि इस पे कैसे काम हो आगे, क्योंकि अब समय देखिए बहुत कम बचा है। तो लगातार सारी पार्टी बैठक कर रही है जिसमें बीजेपी भी अपने आप को कहीं ना कहीं आगे रखते हुए लगातार बैठक कर रही है। तो आज भी अवध क्षेत्र की बैठक यहाँ पर है, कल भी लगातार बैठक हुई थी। वही अगर मैं समाजवादी पार्टी की बात करूँ, बीएसपी की बात करूँ, तो ये सब भी बैठक कर रहे हैं अपने नए नए मुद्दों के साथ में। बिल्कुल बिल्कुल निकिता सरीन, तो रूठों को मनाने की कोशिश में लगातार बीजेपी है और यही वजह है कि अभी से ही संगठन को किस तरह और मजबूत किया जाए इसी पर विचार विमर्श हो रहा है और आज मंथन भी इन बैठकों में किया जाएगा। फिलहाल शिवराज आपका भी बहुत शुक्रिया, निकिता आपका भी बहुत शुक्रिया करूंगी जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ेंगे।